हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर स्वागत है आपका चाची पदी जी पाकशाला में। तो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही, तो आज महाशिवरात्रि है और मेरी बेटी का सेकंड बर्थडे भी है, तो मैं आप लोगों के साथ ये चावल की खीर की रेसिपी शेयर करी, क्योंकि ये खीर जो है मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। वो सिर्फ ये ही खाना पसंद करता है स्वीट में, तो मैं इसलिए इसके लिए ये बना रही हूँ। और अब आप देख सकते हैं यहाँ कैंडल जला है, तो ये डरने भी लग गया है। और यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ बनाया है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के साथ ये चावल की खीर की रेसिपी ही शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 3 लीटर मिल्क ले लिया है, जो हाफ लीटर वाला मिल्क पैकेट होता है, तो मैंने टोटल 6 मिल्क का पैकेट ले लिया है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने मोटा वाला एक गंजी ले लिया है बर्तन। आप कोई सा भी बर्तन ले, जब भी आप मिल्क बॉयल करने वाला कोई रेसिपी, स्वीट रेसिपी आप बनाएं, तो मोटा वाला बर्तन ही यूज़ करें, क्योंकि क्या है, हमें काफ़ी देर तक जो है मिल्क को उबालना रहता है, तो उससे क्या है कि अगर आप मोटा वाला बर्तन यूज़ नहीं करेंगे तो वो नीचे से क्या जल्दी चिपक जाता है ना, दूध जो जलने लगता है, तो उससे उसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए कभी भी आप जो दूध वाला रेसिपी बनाएं जिसको हमको ज़्यादा देर तक बॉयल करना है, तो आप मोटे बर्तन का ही यूज़ करें। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये वाले गंजी लिया, तो आप भी इस तरीके से कोई भी सा मोटा वाला बर्तन ही यूज़ करें। और जब तक यहाँ पे मिल्क बॉयल हमारा होता है, मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया एक छोटा वाला, और इसमें मैंने इलायची ले लिया है। तो इलायची को क्या मैं इस तरीके से मतलब रोस्ट करके मैं इसे स्टोर करके रखती हूँ पीस के। तो यहाँ पे मैंने ये इलायची ले लिया और इसे एकदम लो फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लिया है, और इसे ठंडा करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और इसे क्या है, जब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं तो इसको हम छिलके के साथ जो है पीस लेते हैं, और इसकी क्वांटिटी भी जो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम दो दो तीन तीन ऐसा यूज़ करते हैं इलायची को, तो क्या हम मतलब छिलका जो वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप इलायची को पाउडर बना के भी स्टोर करके रखेंगे, तो छिलके को भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे स्टोर करके भी रख लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्क जो अच्छे से बॉयल हो चुका है, एकदम 1 घंटा हो चुका है एक्चुअली, ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाया है। तो अब मैं इसमें राइस डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 छोटी कटोरी राइस ले लिया जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसमें मैं इसी गंजी में मैं 1 गिलास पानी डाल के ये चावल को एक साथ ऐसा करके मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डाल रही हूँ। क्योंकि मैं पानी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि चावल जो है वो पानी में अच्छे से और बॉयल हो जाए, और ऑलरेडी जो क्या मिल्क अच्छे से बॉयल हो चुका है तो बहुत अच्छा उसका टेस्ट भी लगता है। और यहाँ पर जो मैंने पानी डाला है वो चावल को पकने के लिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे तड़का पैन ले लिया, और इसमें 1 टेबल स्पून घी, और यहाँ पे मैंने 12 से 15 काजू ले लिया है। और अब हम काजू को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है, और इसे भी एकदम ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि थोड़ा समय ये एकदम जल जाता है और इसका जो टेस्ट है वो जला हुआ लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसे भी ग्राइंड कर लिया है, और इसे हम पाउडर को डालेंगे। और यहाँ पे बॉयल भी हो गया मिल्क अच्छे से, तो यहाँ पे मैं 3 छोटी कटोरी यहाँ पे मैं शुगर डाल रही हूँ, और यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून मैंने इलायची का पाउडर ले लिया, और जो काजू मैंने ग्राइंड करके रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और काजू का जो पाउडर जिस मैंने डाला है, तो उससे क्या होगा कि हमारा मिल्क अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। और अब मैंने वो सेम तड़का पैन जिसमें मैंने काजू फ्राई किया था, उसमें मैंने 1 छोटी कटोरी शुगर ले लिया है, और हम इसे कैरमलाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम एकदम लो रखा है, जिससे कि हमारा जो शुगर है वो बिल्कुल भी ना जले, और हम इसे इस तरीके से कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शुगर भी जो अच्छे से मेल्ट हो गया है, और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और इसे जो हम खीर में डालेंगे तो हम इसे कंटिन्यूसली नहीं डालेंगे, क्योंकि क्या हम लोग एक साथ एकदम डाल देते तो क्या जम जाता है वो खीर में जाते ही। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे, जिससे कि ये खीर में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसे थोड़ी देर के बाद क्या है, इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया हो जाएगा इस कैरमलाइज शुगर डालने की वजह से। तो इस तरीके से हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे, और इसे 4 से 5 मिनट के लिए हम और लो फ्लेम पे पका लेंगे। एक्चुअली क्या है, मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया, इसलिए मुझे इस खीर को बनाने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया, लेकिन ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बढ़िया बनी हुई है। और ये देख सकते हैं ये अच्छे से उबल चुका है, और ये बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है। और जैसे ये ठंडा होगा तो क्या है, इसका कलर और भी अच्छा आ जाएगा, और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, उससे क्या है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया, और अब मैं इसे हल्का सा थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी, जिससे क्या होगा जो हमारा जो चावल का खीर है ना वो अच्छे से टूट जाएगा, तो वो बहुत छोटा छोटा एकदम मतलब लगता है, जो कनकी बोलते हैं ना छोटा छोटा चावल उसका बना इस तरीके से लगता है, और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो लास्ट में हम इस तरीके से इसे ब्लेंड कर लेंगे, और अब आप देख सकते हैं हमारा जो खीर जो है एकदम बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तैयार है। और इसे मैं क्या है ना पहले से ही ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी, जिससे ये और भी अच्छे से गाढ़ा हो जाए।
और फ्रिज में रख के खाने के बाद तो उसका टेस्ट जो है ना, वो जो मलाई कुल्फी होता है ना मटके वाला, बिल्कुल एकदम उसके तरह लगता है जैसे हम फालूदा कुल्फी खा रहे हैं, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।